और व्लॉगिंग के मामले में एक नाम काफी चर्चित है और वो है यूट्यूबर अरमान मलिक का। लेकिन अरमान मलिक से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद अब तक सामने नहीं आ पाई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 2.5 साल के वक्त में इन्होंने 200 करोड़ की संपत्ति इकट्ठा कर ली है। वही अरमान मलिक है जिनकी 2 बीवियां हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अरमान मलिक की 2 नहीं बल्कि 3 बार शादी हो चुकी है। उनकी सबसे पहली शादी 17 साल की उम्र में सुमित्रा नाम की लड़की से हुई थी। ऐसे ही और भी अननोन फैक्ट्स पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यूट्यूबर अरमान मलिक के और भी ऐसे कौन से राज हैं जिससे अब तक ऑडियंस बिल्कुल अनजान है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर उनका जन्म कहाँ हुआ। ये सवाल कई बार पूछा गया है। दरअसल अरमान मलिक का जन्म राजस्थान में हुआ है। वहीं दूसरा सवाल ये भी उठता है कि क्या अरमान मलिक हिंदू है या मुस्लिम। इस पर जवाब आता है कि वो हिंदू भी है और मुस्लिम भी। कैसे, इस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले बता दें कि जिस अरमान मलिक को आप अरमान मलिक के नाम से जानते हैं, दरअसल उनका असली नाम संदीप है। वही बता दें कि अरमान मलिक एक मिस्त्री हुआ करते थे। अब एक असाधारण से मिस्त्री से फेमस यूट्यूबर बनने तक का सफर अरमान मलिक ने काफी संघर्षों के साथ देखा है और तय भी किया है। बताते चले कि अरमान मलिक पहले एक साधारण से मिस्त्री थे, लेकिन जब टिकटॉक आया तो उन्होंने टिकटॉक पर वीडियोस बनाने शुरू किए। वीडियो बनाते बनाते लोगों को उनकी वीडियो काफी पसंद आने लगी। इसी तरीके से हर महीने वो 1,00,000 रुपए की कमाई कर लेते थे। फेमस होने के बाद ही टिकटॉक देश में बंद हो गया। उसके बाद अरमान मलिक ने व्लॉगिंग शुरू की और यूट्यूब पर अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करके वहां पर वीडियो डालना शुरू किया। साथ ही बता दें कि जैसे ही उन्होंने व्लॉगिंग शुरू की, वो धीरे धीरे सुर्खियों में आने लगे और चर्चा में बनने की सबसे बड़ी वजह थी उनकी दूसरी शादी लोगों की नजर में, जो कि कृतिका से थी। पहली पत्नी का नाम पायल है, वहीं दूसरी पत्नी का नाम कृतिका है। लेकिन कृतिका से शादी करने के लिए उन्होंने हिंदू से मुस्लिम धर्म अपनाया था, क्योंकि हिंदू धर्म के अंतर्गत आप 2 शादी नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने मुस्लिम धर्म एक्सेप्ट किया था। लेकिन आपको और भी हैरानी जानकर ये होगी कि अरमान मलिक की इन 2 पत्नियों से पहले एक पत्नी 17 साल की उम्र में शादी होने पर सुमित्रा नाम की लड़की बन चुकी थी। अब बात कर लेते हैं उनके संपत्ति की, तो बता दें कि अरमान मलिक इस वक्त एक लेविश लाइफ जीते हैं। आजकल की सेलिब्रिटी जो जिंदगी जी रहे हैं, उस जिंदगी को टक्कर देते हैं यूट्यूबर अरमान मलिक। इनके पास इतना पैसा है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 2.5 साल के अंदर इन्होंने फाइनेंशियली काफी तेजी से ग्रोथ किया है और आज अरमान मलिक के पास 200 करोड़ की संपत्ति है, जिसमें उनके पास 10 फ्लैट, कई गाड़ियां, कई नौकर चाकर, स्टूडियो, म्यूजिकल स्टूडियो और भी काफी कुछ है। साथ ही बता दें कि उन 10 फ्लैट में 4 फ्लैट में अरमान मलिक अपनी 2 पत्नियों और 4 बच्चों के साथ रहते हैं। वहीं उनके अनुसार बाकी के फ्लैट्स में उनके साथ काम करने वाले और टीममेट्स को उन्होंने दे रखा है। इतना ही नहीं, इस बारे में खुद अरमान मलिक ने ही एक शो में बताया और बताया कि उनके पास कुल कितनी संपत्ति है और उन्होंने अपना संघर्ष कैसे शुरू किया। बता दें कि जब वो मिस्त्री हुआ करते थे तो अरमान मलिक की माँ अक्सर इस बात से काफी नाराज रहती थी कि उनका गुड लुकिंग दिखने वाला बेटा, हीरो जैसा दिखने वाला बेटा एक मिस्त्री है। उस पर ही अरमान मलिक हमेशा से इस कोशिश में लगे रहते थे कि वो आगे चलकर कुछ बड़ा कर सके। लेकिन बता दें कि अरमान मलिक पढ़ाई में काफी अच्छे नहीं थे। 8वीं क्लास में फेल होने के बाद अरमान मलिक ने पढ़ाई से धीरे धीरे नाता तोड़ दिया था और डिजिटली वो खुद को बतौर कंटेंट क्रिएटर लोगों के सामने पेश करने लगे थे। देर सवेरे से ही अरमान मलिक ने वो कर दिखाया और आज उनके पास 2,00,000,000,000 की संख्या में ऑडियंस है जो उनसे प्यार करती है, जो उन्हें देखना चाहती है।